हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग गिवन कंटीन्यूअसली। क्यों जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है जबकि उसमें लगातार या उसे लगातार गर्म किया जाता है। तो आंसर पहले हिंदी में समझ लो, वाटर जो है वह लिक्विड स्टेज में रहता है और उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसके कारण वह लिक्विड स्टेज को होल्ड करता है। जो हीट हम लोग देते हैं वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लग जाता है जिससे कि वह स्टेट उसका चेंज करके वेपर स्टेट में आ जाता है। और यही कारण है कि जब पानी को गर्म करते हैं लगातार उष्मा देते हैं फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो आंसर है तुम्हारा, वाटर इज ए लिक्विड सब्सटेंस, जल एक द्रव पदार्थ है। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट वन अनदर विद सर्टेन फोर्स। तो वाटर का पार्टिकल्स जो है एक निश्चित बल से आकर्षित किए रहता है, विच होल्ड पार्टिकल्स ऑफ वाटर टुगेदर, जिससे पानी का पार्टिकल्स एक साथ रहता है। द हीट विच वी सप्लाई, जो उष्मा हम देते हैं, द वाटर ड्यूरिंग वाटर ड्यूरिंग बॉइलिंग इज यूज। तो बॉइलिंग के दौरान वह जो हीट है वह उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करने में लग जाता है, सो दैट दे बिकम टोटली फ्री एंड चेंज इनटू गैस, जिससे वह गैसियस स्टेट में वाष्प की अवस्था में आ जाता है। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल्स। इसलिए जो लेटेंट हीट है वह वाटर के पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को यानी कि गतिज ऊर्जा को नहीं बढ़ा पाता है। यही कारण है कि नो राइज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर। जल को उबलने के क्रम में टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। Why the cows caused by steam are much more severe than those caused by boiling water, though both of them are the same temperature of 100 degree. कहने का मतलब ये है कि 100 degree Celsius पर 100 degree Celsius पर water भी है और 100 degree Celsius पर steam भी है, लेकिन steam ज्यादा burning sensation देता है बॉइलिंग वाटर की तुलना में। इसका पहले हिंदी में समझ लो, जब वाटर बॉइल करता है तो उसमें सिर्फ बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, लेकिन जब वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके पास बॉइलिंग टेम्परेचर प्लस लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन भी रहता है, यानी कि स्टीम में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है इन कंपैरिजन टू द वाटर। इसलिए स्टीम बॉइलिंग वाटर की तुलना में ज्यादा बर्निंग सेंसेशन देता है। आप यहाँ समझो क्या कहता है, इट इज बिकॉज, इसका कारण यह है कि स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, स्टीम में लेटेंट हीट के रूप में ज्यादा उष्मा रहता है देन बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए जल की तुलना में। सो व्हेन स्टीम फॉल ऑन आवर स्किन, इसलिए जब स्टीम हमारे चमड़े पर गिरता है एंड कंडेंस टू प्रोड्यूस वाटर, और वह संघनित होकर जल में बदलता है, इट गिव्स आउट 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी मोर हीट। तो यह 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी ज्यादा उष्मा एब्जॉर्ब कर छोड़ता है बॉइलिंग वाटर की तुलना में। इसलिए ही कारण है कि बॉइलिंग वाटर की तुलना में स्टीम ज्यादा बर्निंग सेंसेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि हाउ डज एवेपोरेशन काउज कूलिंग, वाष्पीकरण ठंडा क्यों उत्पन्न करता है। तो इन एन ओपन वेसल, खुले हुए बर्तन में द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो लिक्विड जो है ऊर्जा को एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वातावरण से टू रिगेन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन।
जो कि एवेपोरेशन के दौरान वह एनर्जी का हानि करता है, उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए वह वातावरण से उस हीट एनर्जी को लेता है। The absorption of energy from the surroundings, सराउंडिंग से एनर्जी के अवशोषण के कारण make the surrounding cold, इसलिए वातावरण तुम्हारा ठंडा हो जाता है। ऐसे प्रैक्टिकली घर में देखा गया होगा कि गर्मी के दिन में शाम में अक्सर बाहर में लोग वाटर का स्प्रिंकल करते हैं, पानी छिड़कते हैं, तो कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ का पानी जो है वह वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वह नीचे सरफेस से लेता है, और इस प्रकार सरफेस ठंडा हो जाता है और आसपास का सराउंडिंग्स भी ठंडा हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये देखने को मिलता है गर्मी के दिन में। क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाई वी फील कूल व्हेन वी पोर सम स्प्रिट ऑन पाम। जब हम स्प्रिट को अपने तलहटी पर, हथेली पर डालते हैं तो हमें क्यों ठंडक का एहसास होता है? आंसर है, इट इज बिकॉज दैट टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू द वेपर स्टेट, स्प्रिट और पेट्रोल रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्प्रिट और पेट्रोल जो लिक्विड स्टेज में होता है वह वेपर स्टेज में आने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के रूप में हीट हमारे पाम से लेता है। द स्प्रिट और पेट्रोल टेक्स दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर पाम, द पाम लूजेस हीट एंड गेट कूल, जिससे कि हमारा तलहटी हीट को लूज करता है और वह हमें ठंडा का एहसास देता है। यहाँ पेट्रोल लिख लिया जान करके, कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है Why we feel cool when we pour some petrol on palm? Why we feel cool when we pour some ethyl alcohol on palm? सब में वही होगा, पेट्रोल जब रहेगा तो स्पिरिट की जगह पेट्रोल कर देना है, इथर रहेगा तो इथर की जगह पर स्पिरिट की जगह इथर कर देना है, बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why we should wear cotton clothes in hot summer day? टू कीप कूल एंड कम्फर्टेबल। हम लोग गर्मी के दिन में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? जिससे कि हमें ठंडक का एहसास होता है और आराम भी मिलता है। तो एक चीज जान लो, हिंदी में समझ लो, सूती वस्त्र जो होता है वह वाटर एब्जॉर्बर होता है, वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। गर्मी के दिन में पसीना हमें काफी निकलता है, इसलिए जब हम सूती वस्त्र पहनते हैं तो वह पसीना को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमें ठंडा का एहसास दिलाता है, जिससे हमें आराम की अनुभूति होती है। तो कहता है कि वी गेट लॉट ऑफ स्वेट ऑन आवर बॉडी इन हॉट समर डे। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से काफी पसीना निकलता है। कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सूती वस्त्र जो है वह जल का अच्छा शोषक होता है। सो इट एब्जॉर्ब्स द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, इसलिए यह हमारे शरीर से पसीना को सोख लेता है। एंड एक्सपोज इट टू एयर और एटमॉस्फेयर, और इसे हवा में या वायुमंडल में छोड़ देता है फॉर एवेपोरेशन के लिए। द एवेपोरेशन ऑफ द स्वेट कूल्स आवर बॉडी, और हमारे पसीना का जो वाष्पीकरण है यह हमारे शरीर को ठंडक रखता है। अब देखो यहाँ पर हीट और टेम्परेचर, हीट का मतलब होता है उष्मा और टेम्परेचर का मतलब होता है ताप, दोनों में अंतर है। हीट इज ए फिजिकल फैक्टर विच इंक्रीज द थर्मल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, उष्मा एक भौतिक कारक है जो किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट के तापीय अवस्था को बताता है। टेम्परेचर इज दैट फिजिकल एजेंसी दैट इंडिकेट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, और ताप जो है वह भौतिक कारक है जो सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट के उष्णीय प्रभाव को बताता है। दोनों में अंतर समझ लो, ठीक है? तो हीट का यूनिट तुम्हारा जूल होता है,
और टेम्परेचर का जो टेम्परेचर को अलग अलग स्केल में मेजर किया जाता है। तो पहला स्केल है तुम्हारा सेल्सियस स्केल, जिसको कि डिग्री सी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा केल्विन स्केल, जिसको कि के से दर्शाते हैं। केल्विन एक्चुअली लॉर्ड केल्विन स्केल, ये केल्विन स्केल वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड केल्विन, इसलिए उन्हीं के नाम को अमर देते हुए इस स्केल का नाम पड़ा केल्विन। नेक्स्ट है तुम्हारा फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल। पहला दो स्केल जो है वह तुम्हारा लेबोरेटरी में यूज होता है। डिग्री सेल्सियस कहो या डिग्री सेंटीग्रेड कहो, दोनों एक ही बात है। डिग्री सेंटीग्रेड लेबोरेटरी में कहा जाता है, ओपन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। देखते हो गए समाचार में बोला जाता है कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी का टेम्परेचर इतना है, तो डिग्री सेल्सियस बोलता है, ठीक है। और केल्विन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है, डायरेक्ट उसका मेजरमेंट नहीं होता, या तो कोई अलग से स्केल होगा। और लास्ट है तुम्हारा फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल, जो जिसका उपयोग मानव के टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, या हम लोग भी अपने घर में रखते हैं, इसलिए उस थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है। डिग्री सेल्सियस स्केल में जिस थर्मामीटर का यूज होता है उसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन दीज थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो पहला है तुम्हारा केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड किया जाता है। डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें 273 माइनस किया जाता है। नेक्स्ट है फारेनहाइट, एफ इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एग्जाम्पल देखो तुम्हारा, जैसे कि मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर हम 25 + 273 यदि कर देते हैं तो ये तुम्हारा हो गया 298 केल्विन, ये केल्विन बदल गया। उसी प्रकार से मान लो कि 300 केल्विन है, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 300 - 273 करेंगे तो ये तुम्हारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इस ढंग से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि -25 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में बदलेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, इसको केल्विन में बदलना है तो केल्विन बदलने के लिए तुम्हारा क्या है यहाँ पर, तो केल्विन बदलने के डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करते हैं, तो -25 + 273 करेंगे ये तुम्हारा किसमें बदल गया, ये तुम्हारा बदल गया केल्विन में, ये केल्विन में बदल गया। अब 273 को -25 करोगे तो 10 × 3 = 13 में से 5 = 8, यहाँ बच गया 6 में से 2 गया, तुम्हारा 4 और ये 2 हो गया, तो ये तुम्हारा किसमें बदल गया, केल्विन में बदल गया। इसी फार्मूला के द्वारा हम लोग डिग्री सेल्सियस और केल्विन को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखोगे, इससे रिलेटेड सवाल भी एनसीईआरटी के बुक में या एक्सरसाइज में या फिर इंटेक्स क्वेश्चन में ऐसा सवाल दिया हुआ है ना। तो अब है क्या कि फारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बॉडी टेम्परेचर किसी ह्यूमन बीइंग का दिया हुआ है तुम्हारा 98.6 फारेनहाइट, है ना। इसको केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हारा अभी एक रिलेशन है तुम्हारा एफ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो यहाँ पर तुम्हारा देयरफॉर 9/5
डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू एफ माइनस 32 होगा, ये इसको इधर ले आया गया, ठीक है सॉरी। तो अब यहां पर फारेनहाइट में तुम्हारा टेम्परेचर 98.6 माइनस 32, इसको यदि सॉल्व करोगे 98.6 ये 32 जीरो डाल दो, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, यानी कि यह 66.6 आया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकला, 9/5 डिग्री सेल्सियस निकला। देयरफॉर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा 66.6, ये यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाएगा तुम्हारा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 9 मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा तुम्हारा। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 333.0/9 आएगा, इसको यदि सब्सट्रैक्ट करोगे, ये डिवाइड करोगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो इसका मतलब है फारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल क्या बताया था कि केल्विन स्केल को डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 37 + 273, ये तुम्हारा हो गया कितना 310 केल्विन। इस प्रकार हम लोग फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है कभी कभी। थैंक यू। आगे किसी ढंग का यदि कॉमेंट लिखना तो कॉमेंट पास करना, कॉमेंट को टाइप करके हमें भेजना, हम कोशिश करेंगे तुम्हारे कॉमेंट का जवाब देने के लिए। सही से कॉमेंट लिखना है, अच्छा से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।